नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। धनबाद में जिला प्रशासन की टीम ने आज एक साथ कई मेडिकल लैब पर छापेमारी की और उन्हें कोरोना महामारी फैलाने का दोषी भी पाया गया। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी जांच घरों को अगले दो दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया था। बावजूद इसके शिकायत मिली कि कुछ जांच कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही धनबाद DC खुद छापेमारी करने निकल पड़े। कार्रवाई के दौरान क्लिनिक लैब जांच घर को सील कर दिया गया। आरोप है कि चंद पैसों के लिए जांच घर लोगों को कोरोना संक्रमित कर रहे थे। DC ने आदेश दिया कि पहले सभी जांच घर के कर्मचारियों को कोरोना जांच करानी होगी, उसके बाद ही तमाम एहतियात के तहत वो लोगों की जांच कर सकेंगे। कल हम लोगों ने मीटिंग की थी यहाँ के सभी रेडियोलॉजी सेंटर पे। शिकायत मिल रही थी कि ये लोग सीधे पेशेंट्स को यहाँ पर बुलाते हैं और उनका सीटी चेस्ट कराते हैं, एक्सरे चेस्ट कराते हैं, और उसमें से जो पॉजिटिव पेशेंट हो जाते हैं उनका डिटेल शेयर किए बिना वो पॉजिटिव पेशेंट फिर भाग जाते हैं। तो हम लोगों ने इनको कहा था कि आप लोग, खासतौर से तीन हॉस्पिटल की शिकायत मिली थी जिसमें से एक क्लिनी लैब है, आयुष्मान है और आविष्कार है, तो मैंने कहा था कि आप तीनों को अगले दो दिन तक कोई काम नहीं करना है। अपने पूरे कैंपस का, प्रीमाइसिस का सैनिटाइज पहले ठीक से करवाना है। अपने सभी मैन पावर का, जो आपके यहाँ काम करते हैं उनका कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेना है, जांच करानी है, कोविड जांच करानी है, उसके बाद ही आप अपने प्रीमाइसिस को खोल सकते हैं और उसकी अनुमति हम देंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो संक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाकी लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। आज सुबह सूचना मिली कि क्लिनी लैब ने इस आदेश का उल्लंघन किया है और आज भी बोले क्या, ये आज भी इतने सारे केसेस इन्होंने एक्सरे चेस्ट कराए हैं। यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का डायरेक्शन जो था कि आपको निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर ही लोगों को टेस्ट कराना है, उसकी भी पूरी व्यवस्था कर दी थी, उसके विरुद्ध जाकर इतने लोगों का इन्होंने किया है। इसमें से दो तीन केसेस हम लोगों ने देखे हैं जो कोविड पॉजिटिव, उनका चेस्ट के एक्सरे से दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है। अब वैसे पेशेंट को अंदर में डाल रहे हैं और उसी जगह फिर बाकी पेशेंट को भी ये टेस्ट करा रहे हैं, मतलब उससे बाकी पेशेंट को भी ये संक्रमित कर रहे हैं। अंदर में पूरी भीड़ थी, इनका सारा मशीन ऑपरेशन में पाया गया, बाहर से ये ताला लगाए हुए हैं लेकिन अंदर से दूसरे रास्ते से घुसाकर ये पूरा टेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल्स है और संक्रमण फैलाने का इनको जिम्मेदार माना जाएगा। हमने डायरेक्शन दिया है कि इनके विरुद्ध FIR दर्ज होगी और अभी जितने भी लोग रिपोर्ट के लिए आए थे उनको रिपोर्ट दिया जा रहा है, उसके बाद इस पूरे कैंपस को हम लोग सैनिटाइज करवा देंगे और फर्दर इसको हम सील करवाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए NBC 24 न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।